दोस्तों तो एक बार फिर से एक और मध्य प्रदेश की नई सरकारी योजना लेकर मैं आ चुका हूं, जिसका नाम है सुदामा छात्रवृत्ति योजना। जी हां दोस्तों, सुदामा छात्रवृत्ति योजना एक तरह से आप जैसे ही इस योजना का जो नाम है उसी से निहित है कि छात्रों के लिए छात्रवृत्ति देने के उद्देश्य से इस योजना को चलाया गया है, संचालित किया गया है। अभी इस योजना की पात्र कौन कौन लोग हैं, इसके फायदे क्या क्या हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, आप आवेदन कैसे कर पाएंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल कुशवाहा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक लाइफ के। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस योजना के बारे में जान लेते हैं कि ये योजना है क्या। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति शुरू की है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य के 300 छात्र और 400 छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अब इसके फायदे अगर हम देखना चाहें तो दोस्तों, इसके लिए जो फायदा है वो पुरुष छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की राशि जो है 5,000 रुपए सालाना दी जाती है, और महिला छात्रों के लिए ये जो राशि है छात्रवृत्ति राशि वो 5,250 रुपए सालाना दी जाती है। अब अगर हम इसकी पात्रता की बात करें दोस्तों, तो इसकी पात्रता में सबसे पहली पात्रता आ जाती है माता पिता की जो वार्षिक आय है वो आपकी 1,00,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी पात्रता है दोस्तों, वो है आपका परिवार जो है बीपीएल की श्रेणी से संबंधित होना चाहिए। तीसरी तो पात्रता की बात करें तो दोस्तों, छात्रों को 10वीं कक्षा में 60% से अधिक अंक प्राप्त करने चाहिए और वर्तमान में 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ रहे और छात्रावास में रह रहे हों। तो यह है दोस्तों तीसरी और आखिरी। चौथी आपको जो पात्रता है वो भी मैं आपको बता दूं, छात्रों को सामान्य वर्ग से संबंधित होना चाहिए, यानी कि छात्र छात्राएं जो है वो सामान्य वर्ग से संबंधित होना चाहिए। सामान्य वर्ग से संबंधित नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, हम इसके आवेदन की जो प्रक्रिया है वो जान लेते हैं। तो इसके आवेदन की प्रक्रिया जो है दोस्तों, वो ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदक छात्रों को अपने शिक्षण संस्थान से संपर्क करना होगा सबसे पहले। इसके बाद में विद्यार्थियों की जो प्रोफाइल है पोर्टल पर दर्ज की जाती है, शिक्षा पोर्टल पर। तो इस शिक्षा पोर्टल पर आपको अपनी प्रोफाइल जो है बनवाना पड़ती है, और इसके बाद में जो है आप आवेदन जो है भर सकते हैं, और जो भी दस्तावेज जो संलग्न करने हैं वो संलग्न करके आप जो फॉर्म है उसको सबमिट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस योजना में जो आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं। तो डॉक्यूमेंट की बात करें तो दोस्तों, टोटल इसमें जो है 6 डॉक्यूमेंट बताए गए हैं। सबसे पहला है निवास प्राधिकारी से निवास प्रमाण पत्र, यानी कि इसमें आपका बिजली बिल भी चल जाएगा, पानी का कनेक्शन का बिल भी चल जाएगा, गैस कनेक्शन का बिल भी चल जाता है। तो ये हो गया आपका निवास प्राधिकारी से निवास प्रमाण पत्र। इसके अलावा जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो है आपका आधार कार्ड। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है आपके बैंक खाते का विवरण। और चौथा जो डॉक्यूमेंट है वो है आपके माता पिता का आय प्रमाण पत्र। और पांचवा जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों, वो कक्षा 9वीं और 10वीं की अंक सूची। और छठवा जो डॉक्यूमेंट है जो वो है आपका न्यूनतम 2 पासपोर्ट साइज के फोटो। इन डॉक्यूमेंट को आपको जो है फॉर्म के साथ संलग्न करना होता है। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको इस वीडियो के माध्यम से सुदामा छात्रवृत्ति योजना के बारे में काफी जानकारी मिल गई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट, क्वेश्चन या सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको जो और सरकारी योजना है उनकी वीडियो आसानी से देखने को मिल सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।